ऑलराइट गाइस, दिस इस द 7K मास्टर। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ डूम गेम्स की स्टोरी के बारे में, जिससे आप सीधा डूम इटर्नल को एंजॉय कर पाएं। एंड अब डूम काफ़ी लोर हैवी हो चुकी है, तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। सो सबसे पहले, यस, डूम 2016 एक तरह का डूम की स्टोरी का रिबूट था, लेकिन अब फैन थ्योरी सामने आ रही हैं जो सजेस्ट करती हैं कि डूम 2016 एक सीक्वल ही था। लेकिन ये थ्योरीज अपने आप को पूरी तरह से सोलिडिफाई नहीं कर पाती। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ डूम 2016 की स्टोरी के बारे में बात करूंगा विदाउट एनी थ्योरीज। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, फॉलो योर बॉय ऑन सोशल्स, आई पोस्ट रेगुलर चैनल अपडेट्स एंड गेमिंग न्यूज देयर। एंड इसी के साथ नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो सन 2095 फ्यूचर में मार्स पे नॉर्मल रिसोर्सेस मिलने के साथ अब आर्जेंट फ्रैक्चर डिस्कवर होता है, और इस फ्रैक्चर से निकल रही आर्जेंट एनर्जी फुली यूजेबल है। जहां अर्थ पर फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं, आर्जेंट एनर्जी प्रोवाइड्स टू बी अ परफेक्ट सॉल्यूशन टू ह्यूमन एनर्जी नीड्स। इस रॉ आर्जेंट प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2096 में UAC यूनियन एरोस्पेस कॉरपोरेशन लेड बाय डॉक्टर सैम्यूल हेडन, एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजिकल कॉरपोरेशन, ये लोग मार्स में अपना बेस सेटअप कर आर्जेंट प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसे न्यूट्रॉन बॉम्बार्टमेंट से यूजेबल आर्जेंट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इस एनर्जी का सोर्स ढूंढते सैम्यूल हेडन को ये एनर्जी हेल से आ रही है ये पता लगता है, एंड इस एनर्जी के मिसयूज से हेल रिफ्ट्स ओपन हो सकती हैं। अब 2127 तक USC अपने बेस को परमानेंट करते रो आर्जेंट एनर्जी को ऑटो कन्वर्ट करने के लिए एक आर्जेंट टावर बिल्ड करते हैं। एंड 2027 में ही सैम्यूल हेडन को स्टेज 4 ब्रेन कैंसर हो जाता है, और सैम्यूल के बचे 6 मंथ्स में वो मरने से पहले अपनी साइबरनेटिक सूट एंड प्लाज्माट्रॉनिक प्रोसेसिंग कोर की थ्योरीज लिख अपने साइंटिस्ट को उसके ब्रेन के फंक्शनिंग लोब्स को कैसे रिकोनेक्ट करना है ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लिखता है। एंड सैम्यूल की डेथ के बाद उसके ब्रेन के फ्रंटियर लोब से उसका साइबरनेटिक रिबर्थ होता है, जिससे अब सैम्यूल 9 फीट लंबा है एंड अब वो कोई भी बीमारी या बुढ़ापे के कारण मर नहीं सकता। एंड इस साइबरनेटिक ब्रेन के साथ सैम्यूल की रिसर्च ह्यूमन बाउंड्रीज को तोड़ देती है, एंड अर्थ पर आर्जेंट एनर्जी पैकेट्स छोड़ने के लिए वो गोस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। सैम्यूल एंड टीम आर्जेंट एनर्जी से एक AI भी डेवलप करते हैं जिसका नाम है वेगा, जो बेसिकली नॉन डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम नॉट बीइंग कंसीडर अ ह्यूमन। अब USC आर्जेंट एनर्जी से हेल पोर्टल्स को खोल हेल में भी रिसर्च करते हैं, एंड इसी एक्सपेडिशन में टीम को टैबलेट्स एंड हीलिक्स स्टोन मिलता है जिसमें हेल एंड अदर डायमेंशंस की नॉलेज है। इन्हीं टैबलेट से हेडन को डूम स्लेयर के सरकोफिगस का पता लगता है, जिसमें लिखा है कि डूम स्लेयर कैसे शताब्दियों से डीमन से लड़ता रहा, कैसे डीमन्स डूम स्लेयर के नाम से ही डरते थे, एंड कैसे डीमन प्रीस्ट ने इस स्लेयर पर टेम्पल गिराकर उसे कैद किया। इसी से पहले प्रोजेक्ट लाजरस मिशन पे हेडन एंड मरीन्स डूम स्लेयर की कबर को लाने हेल में कैडिंगजर सैंक्टम में जाते हैं। यहाँ सब लोग डीमन से नहीं बचते, लेकिन डूम स्लेयर के सरकोफिगस को मार्स लैब में लाने में सक्सेसफुल रहते हैं। यहीं से USC डीमन्स पर भी रिसर्च करती है, और उनके पास मोस्टली सभी डीमन्स का डेटा अवेलेबल है। अब हेडन की प्रोटेजे एंड आर्जेंट फैसिलिटी की लीड रिसर्चर ओलिविया पियर्स, जिसे भी कुछ खतरनाक बीमारी हुई जिसकी वजह से उसे व्हीलचेयर बाउंड होना पड़ा, लेकिन एक एक्सोस्केलेटन सर्जरी से वो चल फिर तो सकती है, लेकिन हर डेली काम से उसकी बॉडी को एक्सट्रीम पेन से गुजरना पड़ता है। हेल प्रीस्ट ओलिविया को इन्फ्लुएंस करते उसे इमेंस पावर्स ऑफर करते हैं एंड उसे एक परमानेंट हेल गेट ओपन करने को कहते हैं। ओलिविया डीमंस की बातों में आ अपने कुछ जूनियर्स को डीमन की पूजा करने वाले कल्ट में शामिल करती है एंड अपनी तरफ से टेम्पररी हेल पोर्टल्स को खोल देती है। यहीं अब ईयर है 2049, डीमन इस फैसिलिटी में सभी साइंटिस्ट को पोजेस और सभी सिक्योरिटीज को ख़त्म कर चुके हैं, एंड इस बेस पर ऑलमोस्ट सभी लोग मर चुके हैं सिवाय ओलिविया, सैम्यूल हेडन एंड AI वेगा को छोड़। ओलिविया की सच्चाई पता लगने के बाद हेडन डूम स्लेयर को आज़ाद कर देता है, एंड उड़ते ही डूम गाय अपना काम शुरू कर देता है बाय किलिंग डीमंस। यहीं इस कब्र के साथ डूम गाय का प्रेटर सूट भी है, जिसे पहनते डूम गाय की एबिलिटीज और इन्हांस हो जाती हैं।
हेडन एंड वेगा डूम गाय को असिस्ट करते हैं और बताते हैं कि उसे डीमन पोर्टल्स को बंद करने के लिए आर्जन टावर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डूम गाय हेडन के बताए तरीके से महंगे आर्जन फिल्टर्स को ना हटा अपने तरीके से तोड़ देता है एंड आर्जन टावर तक पहुंच ओलिविया एक आर्जन एक्यूमुलेटर को बर्स्ट करते हेल रिफ्ट बना देती है एंड डूम गाय हेल में डीमन से लड़ते यूएसी पोर्टल से हेल से मार्स पे वापिस आता है। अब हेडन बताता है कि उसे ओलिविया के बारे में पहले ही शक होने लगा था, इसलिए उसने डूम गाय की कब्र को इतनी मैन पावर लगाकर ढूंढा, एज उसने पहले ही सोच रखा था कि डूम स्लेयर उनका लास्ट रिजोर्ट होगा अगर कोई ऐसी ही हेल इन्वेजन होती है तो। यहीं हेडन हीलिक स्टोन के बारे में बताता है एंड वो डूम गाय के प्रेटर सूट में टेदरिंग ऐड कर देता है जिससे हेडन उसे हेल से मार्स पर खींच सके। डूम गाय को इस स्टोन से क्रूसिबल की विजन दिखती है जो कि एक की है जो आर्जेंट एनर्जी एंड इन हेल पोर्टल्स को बंद कर सकती है और मार्स पर आर्जेंट एनर्जी खत्म होते वेगा डूम गाय को यूएसी रिसर्च के स्पेसिमन साइबर डीमन में लगे आर्जेंट एक्यूमुलेटर को बर्स्ट कर हेल में जाने को कहता है टू रिकवर क्रूसिबल एंड हेल में पहुंचते डूम गाय क्रूसिबल ले आता है। अब आर्जेंट एनर्जी जहां से आ रही है वहां से पोर्टल्स को बंद करने के लिए सैमुअल वेगा में यूज हो रही आर्जेंट एनर्जी को यूज करने को कहता है जिससे वेगा को पूरी तरह से शट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन डूम गाय वेगा को बंद करने से पहले उसका बैकअप एक फ्लैश ड्राइव में सेव कर लेता है एंड वेगा के कोर की एनर्जी से डूम गाय वेल में पहुंच क्रूसिबल से इन एनर्जी स्ट्रीम्स को बंद करता है एंड लास्ट में ओलिविया जो कि कहती है कि डीमंस ने उसे पागल बनाया, वो भी एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो। उसे मारने के बाद सैमुअल हेडन डूम गाय को मार्स में वापस ला उससे क्रूसिबल ले लेता है जिसमें अब सारी आर्जेंट एनर्जी है एंड क्रूसिबल एक एंशियंट स्वॉर्ड भी है। सैमुअल हेडन बताता है कि वो एक विलन नहीं है और वो डूम गाय को कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। इसी इवेंट्स के बाद डूम इटर्नल शुरू होती है। तो अब डूम इटर्नल में 2 साल बीत चुके हैं एंड किसी तरीके से अर्थ पर हेल पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है एंड अर्थ की लास्ट उम्मीद है डूम स्लेयर। सो नाउ डूम लोर में थोड़ा और डीप जाते, यहाँ हेल डायमेंशन के साथ एक और डायमेंशन भी एग्जिस्ट करती थी नेम्ड आर्जेंट डिनूर या फिर प्राइम सेंटिनल्स और ये आर्जेंट एनर्जी इसी डायमेंशन की रेत से आती थी। हेल ने भी इस एनर्जी के लिए सेंटिनल्स की डायमेंशन पर अटैक किए लेकिन डूम स्लेयर जो कि कहा जाता है कि हेल से आर्जेंट डिनूर के नाइट सेंटिनल आर्मी से मिला, उसके रहते आर्जेंट रैलम डीमंस के हाथ कभी नहीं लगी। लेकिन आर्जेंट रैलम में भी कोई इंसाइडर डीमन प्रीस के साथ हाथ मिला लेता है जिससे डीमंस इस पूरी रैलम एंड आर्जेंट एनर्जी पर कब्जा करने में सक्सेसफुल रहते हैं एंड डूम स्लेयर को कैद कर दिया जाता है एंड तभी से आर्जेंट डिनूर हेल का हिस्सा था और आर्जेंट एनर्जी हेल का हिस्सा बनी। अब अर्थ पर करप्टेड नाइट सेंटिनल्स भी अटैक करेंगे एंड वन ऑफ द प्राइम सेंटिनल्स मारूडर वो भी डूम गाय को हंट करेगा। यहाँ दोनों की पावर लेवल्स भी इक्वल हैं, दोनों के आर्मर्स भी सेम टेक्नोलॉजी के हैं एंड दोनों के पास आर्जेंट वेपन्स होंगे। एंड नाउ डूम गाय की ओरिजिन की बात करूँ तो यहाँ ये थ्योरीज हैं कि सबसे पहला डूम गाय एंड अब का डूम गाय सेम है, लेकिन अब आने वाली डूम गेम्स में हमें डूम स्लेयर की रिबूटेड ओरिजिन मिल जाएगा और हमें खुद की थ्योरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इन थ्योरीज पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। सो बस फिर गाइस इस वीडियो में इतना ही एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।